नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईबीसी 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप ये भली बात जानते हैं कि आईबीसी 24 के टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर आप राम कहानी देख रहे हैं रात्रि में 9:30 बजे और सुबह को 9:30 बजे। तो हमने सोचा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसकी शुरुआत की जाए और पूरा इतिहास आपको बताया जाए। तो हमने एक सीरीज शुरू करने का निर्णय लिया है, राम जन्मभूमि की पूरी कहानी। ये आपको आईबीसी 24 के इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी अलग अलग एपिसोड पर। तो हम आज पहला एपिसोड आपके लिए बना रहे हैं। तो इस बात को आप अच्छे से जानते हैं कि राम की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, अब विश्व के कोने कोने में हो रही है। इसका जीता जागता प्रमाण भी है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी यानी 22 जनवरी 2024 को, उसका लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है वहां पर किया जाएगा और इसके साथ पूरा विश्व देखेगा। यानी राम की गूंज से भारत ही नहीं पूरा विश्व गूंज रहा है। तो अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, जितने हमारे युवा पीढ़ी हैं या और भी साथी हैं उनके मन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या राम से पहले भी अयोध्या थी, और अगर अयोध्या थी तो वो कैसी थी, और राम के बाद कैसे अयोध्या है। आज की अयोध्या तो आप देख ही रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसके पहले का क्या इतिहास है। तो हम अलग अलग एपिसोड में आपको पूरी कहानी बताएंगे। तो हमने रेफरेंस क्या लिया है वो भी आपको बता देते हैं। हमने वेद का सहारा लिया है, हमने उपनिषद का सहारा लिया है और वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया है, और इसको जानने और समझने के बाद आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेदों की तरफ ही हम बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में आपको बता दें कि 9वें, 10वें और 64वें श्लोक में इस बात का जिक्र है कि सरयू नदी, यानी सरयू नदी का जिक्र है, और श्लोक में सिंधु सरस्वती के साथ सरयू नदी को बताया गया है। और इसको तो आप जानते ही हैं कि सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या बसी है, यानी ऋग्वेद काल से इसका जिक्र है। अब दूसरे वेद की ओर बढ़ते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद में संपन्न अयोध्या की पूरी कहानी बताई गई है, संपन्न अयोध्या की। यानी वहां तो सरयू नदी का, ऋग्वेद में सरयू नदी का जिक्र था, लेकिन अथर्ववेद में अगर देखा जाए तो यहां संपन्न अयोध्या की कहानी पता चलती है। एक श्लोक है जो कि अथर्ववेद का ही है, अष्टाचक्रा नवा द्वारा देवनम पुर अयोध्या तस्यम हिरण्य कोशा स्वर्गो ज्योतिषा वृत्ता। ये अथर्ववेद का एक श्लोक है, यानी इससे ये प्रतीत होता है कि अयोध्या ना सिर्फ थी बल्कि संपन्न अयोध्या की पूरी कहानी पता चलती है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद से आपको ये पता चला है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और उपनिषदों में क्या जिक्र है वो भी जानने की कोशिश करते हैं और वो भी आपको बताते हैं। तो एक चीज़ तो आप ये भी जानते हैं कि अयोध्या आप कहते हैं, लेकिन उपनिषद और वेदों में जब हमने खंगाला तो हमने ये पाया कि अयोध्या के 12 नाम वहाँ पर उल्लेख किया गया, यानी 12 नामों का जिक्र किया गया है। आप तो अयोध्या जानते हैं, लेकिन अयोध्या हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में 12 नामों से जानी जाती थी। अब वो 12 नाम कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो अयोध्या तो एक हो गई, कोई डाउट नहीं, आप जान ही रहे हैं, यानी क्लियर है ये। अब इसके अलावा 11 और कौन कौन से नाम है, किस नाम से हमारे वेद पुराणों में जानती है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तो अयोध्या तो है ही है, आनंदिनी, सत्या, सत, साकेत, साकेत नाम का भी जिक्र है, कौशल, विमला, अपराजिता, अपराजिता बहुत लोगों का नाम भी होता है, अयोध्या का नाम है, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, शांतानिकलोका और दिव्यलोका। ये वो 12 नाम हैं जो हमारे उपनिषद और हमारे पुराणों में इनका जिक्र मिलता है, यानी अयोध्या वेदों और उपनिषदों के जरिए 12 नामों से जानी जाती है। अच्छा, जब हमने थोड़ी और रिसर्च की तो हमें ये पता चला कि अयोध्या वेद और पुराण के हिसाब से 12 योजन लंबी थी, 12 योजन, और इसके साथ 3 योजन चौड़ी थी। अर्थात अगर आज के गणित से निकालें तो अयोध्या उस समय 5200 किलोमीटर वर्ग के दायरे में फैली हुई थी। और आज का इतिहास क्या बताता है, आज की क्या स्थिति है, आज की स्थिति ये है कि
की 120 किलोमीटर वर्ग में फैली हुई है। यानी स्वाभाविक सी बात है, अगर इसको देखें, गणित से निकालें, तो आज की अयोध्या से उस वक्त की अयोध्या 44 गुना बड़ी थी। और सोचिए कितने सालों तक हम 2.77 एकड़ के लिए लड़ते झगड़ते रहे। आज से 44 गुना ज़्यादा बड़ी अयोध्या थी, साम्राज्य था, लेकिन हम महज 2.77 एकड़ के लिए लड़ाई लड़ते रहे। ये हकीकत है। ये बकायदा जो मैंने आपको बताया है, वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है, बाल कांड है, उसके पंचम सर्ग के 23 श्लोक में, यानी 23वें श्लोक में इसका जिक्र है। मैं बकायदा आपको प्रमाण के साथ ये बता रहा हूँ, जिससे आपको भी पता होना चाहिए। 12, जैसा कि मैंने बताया, 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी, ये बालकांड में इसका जिक्र आता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये तो वेद पुराण की बात हुई, अब स्कंद पुराण में क्या जिक्र है। जैसे कि मैंने आपको वेद और उपनिषद के जरिए बताया, तो स्कंद पुराण में क्या कहानी आती है। स्कंद पुराण में कहानी ये है, अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान शिव को प्रसन्न करके रावण ने वरदान ले लिया, अजय का वरदान ले लिया, यानी रावण को कोई मार नहीं सकता था, ये उसने वरदान ले लिया। ये स्कंद पुराण में इस कहानी का जिक्र है। लेकिन नंदी ने रावण को श्राप दिया था, ये भी पता होना चाहिए। इसी स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र है। नंदी ने कहा था कि एक तपस्वी और वानर का सेनापति जब लंका आएगा तो तुम्हारा वध सुनिश्चित है। अब इधर अजय होने के बाद रावण लगातार अपना साम्राज्य फैलाता जा रहा था और देव बड़े परेशान थे, देवों को भी बहुत प्रताड़ित करता था। अब ये बात जैसे ही पता चली देवों को, वो नंदी के पास गए और उसके बाद विष्णु के पास गए। तो ये भी जिक्र है स्कंद पुराण में कि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और इसके साथ ही नंदी ने हनुमान का अवतार लिया। और जितने भी भगवान थे, यानी देव थे, भगवान तो विष्णु जी हो गए, जितने देव थे उन्होंने वानरों का अवतार लिया। ये स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र है। पुराणों के मुताबिक एक चीज आपको और जानना चाहिए, पुराणों के मुताबिक राजा राम 64वें राजा थे, अयोध्या के 64वें राजा थे। लेकिन एक आप और आपके मन में ये सवाल होता होगा कि अब तक कितने राजा अयोध्या में रहे हैं, तो 93 राजा महाभारत काल के पहले रहे हैं और महाभारत काल के बाद 30 राजा रहे हैं। तो अगर इनकी संख्या टोटल ओवरऑल मिला ली जाए तो ये 123 हो जाती है। यानी 123 राजाओं का जिक्र है। वंशावली में बकायदा इस बात को बताया गया है, इस बात को उल्लेखित किया गया है। तो कुल हो गए 123 राजाओं का जिक्र है, और दशरथ हुए 63वें राजा और राजा राम हो गए हमारे 64वें राजा। तो ये पहला एपिसोड था जिसके बारे में हमने बताया कि अयोध्या का साम्राज्य क्या था, प्रभु श्री राम के पहले अयोध्या कैसी थी और प्रभु श्री राम के बाद की अयोध्या कैसी होगी, ये आपको बताएंगे। यानी जो दूसरा एपिसोड होगा उसमें रामराज के बाद अयोध्या के मंदिर के तोड़ने की कहानी, क्या उसका उल्लेख था, किसने मंदिरों को किसने सजाया सवारा, किसने बढ़ाया और क्या हुआ, ये आपको दूसरे एपिसोड में बनाएंगे। बस आपको करना ये है कि हमारे साथ जुड़े रहना है और राम जन्मभूमि की पूरी कहानी हमारे साथ आपको देखना है। तो फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर एक दिलचस्प कहानी के साथ आपको जुड़ेंगे, और ये कहानी पूरे प्रमाणों के साथ हम लेकर आए हैं, वेद पुराण उपनिषद का सहारा और साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण और जो भी रामायण हमको मिली उसका जिक्र करके हम आपको बता रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।